मैं अपने बेटे को लॉन्च करना चाहती थी और इसीलिए मैंने ड्रामा सीरियल शुरू कर दिया है जिसका नाम है यूसुफ और टाइटल रोल पे मेरे साहबजादे ही अजीज शान भाई हैं। बाकी सारी कास्ट जो है वो नहीं है, लड़कियाँ भी नहीं हैं लेकिन उसमें मैं भी हूँ। और मेरी कोशिश है कि ये ड्रामा इतना चले आप सबकी दुआ से। कोशिश तो हम कर सकते हैं ना, बाकी मानने वाले तो बहुत ही ज़्यादा हैं। बहुत ज़बरदस्त। आप कितने साल बाद करेंगी? 25 साल। तो लास्ट आपकी जब लास्ट टाइम आपने किया था वो कौन सी मूवी थी? मूवी की नाम मेरी अपनी ज़ाती मूवी थी जो मैंने प्रोड्यूस की थी भाई, नाम उसका था इंसाफ हम करेंगे, लेकिन बाद में उसका नाम खाई रखा गया, उसके बाद भी मैंने काम कर रही। अच्छा मुआजी में तो आप नहीं आती रही, आप अभी तक आप क्लिप चलते हैं तो लोग बड़े शौक से देखते हैं, तो इसमें आपका किस किस्म का किरदार है? क्यों बताऊँ आपको, पहले बता दूँगी तो फिर आप मेरा ड्रामा देखेंगे। इसमें ऑब्वियस है कि मैं माँ ही हूँ। मुझे एक दफ़ा किसी साहब ने कहा, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, यूसुफ खान साहब ने, मैं आई थी पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा यार मेरा एक माँ का रोल है वो कर दो, एक गाना है और कुछ सीन। मैंने कहा तो मेरी औलाद भी होती है? कहते हैं हाँ एक बेटा है। मैंने कहा नहीं खान जी, फिर माँ तो मैं अपने बच्चे का माँ हूँ। तो अल्लाह ने वो मौका दिया कि मैं आज अपने बच्चे की माँ बनी। अच्छा आपकी पहचान फिल्म थी, तो आप ड्रामा बनाते फिल्म बनाते, इसकी वजह ये है कि आपने इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। आपने इंडस्ट्री को इस हालत में ले आए हैं कि अब कोई बंदा फिल्म ना बने। तो हालात देखते हुए फिल्म भी शुरू की थी पहले मैंने, जिसके डायरेक्टर जरार रिज़वी साहब हैं, दो फिल्में शुरू की थी, लेकिन जो हालात हैं हमारे सिनेमा के इंडस्ट्री के उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने कहा पहले ड्रामे से स्टार्ट लेते हैं, दूर तो नहीं रह सकते। ड्रामे के बारे से ये है कि मेरी भी ये कोशिश थी कि आज कल के जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं स्पेशली यंगर जनरेशन, उनकी कहानियाँ वो उस उन इश्यूज़ के ऊपर हम ये स्टोरी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे ये सारी फाइनलाइजेशन आ गई आती है। अच्छा आप ये आपका प्रोजेक्ट है ये टीवी का, इसके अलावा भी आप कर रहे हैं? जी इसके अलावा जैसे हमने क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्या वक्त रखते हैं आपको, किस किस्म का रोल है? रोल मेन रोल मेरा ही है और जिस तरह कि जी लव स्टोरी है तो, लेकिन आजकल की जो लव स्टोरी मैडम आप बताइए कि प्रोडक्शन ठाकुर साहब ला रही है और इधर चलना है मैंने बात कर रहे हैं, तो आप कितनी देर तक काफी समय तो पहले दिन से और माशाल्लाह बड़ी हिम्मत है इनकी कि कनाडा से आते हैं, जब फिर लोग कनाडा में जाकर मजे लेते हैं पाकिस्तान से भागते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ हिम्मत और जुनून है कि अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा इन्होंने स्टेप लिया, पाकिस्तान में आके इन गर्मियों में अपना बारिश को भी उन्होंने रौनकें लगा दी और अभी ड्रामा शुरू किया है, इसके साथ साथ वो फिल्म भी करेंगी, क्योंकि हमें फिल्म के अलावा कोई काम नहीं आता। और मुमताज़ जी को मैं दाद देती हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है और इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये काम शुरू करेंगी और इन्हें देख के बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे। और मुमताज़ जी आपको बहुत मुबारक और मीडिया का बेहद मशहूर हूँ मैं भी और मुमताज़ जी भी निशान भी कि इन्होंने हर कदम पे मेरा साथ हमने साथ। इनका साथ दिया है, आप सबने जो भी है हम लोग आप लोगों के भी बेहद मशहूर हैं। मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से बहुत मुतासर हूँ और जिस तरह जिस हिम्मत से वो काम कर रही हैं उनकी हिम्मत को सलाम। वाह जी वाह, तो अब इंशाल्लाह ताला मरियम साहिबा भी ये क्लिप देख रही होंगी, तो वो आपके उनसे पिछले दिनों में मुलाकातें भी हुई, तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है आप उन्हें राज़ी कर ही लेंगी कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ वो भी हिलजुल करें, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, आपको मुबारक हो।